सिस्टम से कभी भी किसी भी गाड़ी को धक्का दे के धकेल के स्टार्ट नहीं करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक आरएनटी कार सर्विस के वीडियो में। दोस्तों ये मेरे पास आ गई है टाटा इंडिका, जिसमें आपको सामने ये दिखता होगा बेल्ट। अब समझते हो ये कोई बेल्ट काट दिया? नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। ये बेल्ट कैसे टूटा पता है? ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही, बस 10 डेज पहले ही सर्विस करके दिया था और गाड़ी का बैटरी डाउन था। हम बता दिए थे बैटरी चेंज करने के लिए, बट वो बैटरी चेंज नहीं किए। उस कंडीशन में क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गई और गाड़ी को पीछे से 2-3 आदमी जब धक्का देते हैं सेकंड्स गियर में डाल के, तो उस समय इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड गिरता है। क्या होता है, कभी भी गाड़ी को पीछे से या सेकंड गियर में या थर्ड गियर में किसी भी गियर में धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट ना करें, नहीं तो यही हाल हो सकता है। ये तो बेल्ट था, और समझिए अगर यदि आपका कोई इंपोर्टेंट बड़ा गाड़ी होता हो जिसमें चैन रहता है, चैन टूट जाता तो लेनी का देनी बहुत बड़ा पड़ जाता है। ये बेल्ट था, इसलिए हेड का ही सिर्फ काम आया है। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने बेल्ट को डाल दिया, नया लेके बेल्ट डाला। उसमें जब हमने पूरा टाइमिंग पे रख के, जैसे ही इंजन को थोड़ा राइट रॉन्ग फिरा रहा था तो खट फट मार रहा था, तो उस कंडीशन में पूरा हमने यहाँ पे हेड को ओपन कर दिया, जो कि वहाँ पे हेड पड़ी हुई है। अब हेड को ओपन करने के बाद देखा तो ये लेथ वाले देखिए क्या दिए हैं, ये कैसा हो चुका है। आप लोग खुद मिला सकते हैं, देखिए वाल का हाल। ये पूरा बेंड मारा एक बार पिस्टन ऊपर धड़ाक करके, पूरा एक ही बार ऐसा हो गया। तो इस कंडीशन में गाड़ी को कभी भी धक्का दे के धकेल के स्टार्ट ना करें, और ज़्यादा करके एक्सेंट और इंडिका में ये कंप्लेन बहुत करके आता है दोस्तों, तो ऐसे कभी ना करें। तो चलिए इस सब से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या उपाय करना चाहिए, नहीं उपाय करना चाहिए। दोस्तों कम से कम 75,000 किलोमीटर नहीं हो सकता है, तो कम से कम 1,00,000 किलोमीटर के बाद ये टाइमिंग जो बेल्ट होता है, ये जो स्मूथनेस रहता है, यह पूरा हार्ड हो जाता है और ऐसा दिखने लगता है, वो टूट जाता है। तो कम से कम 1,00,000 किलोमीटर के बाद ज़रूर इसका टाइमिंग बेल्ट चेंज करें। और जितने भी इसके अंदर पुल्ली आता, अभी भी निकाले नहीं है दोस्तों, ये पुल्ली आता है वो सबको एक बार फिरा के देख लें क्या उसका कंडीशन है। तो यही सब था बचने के लिए दोस्तों। ये देखिए पूरा पिस्टन पे मार नहीं पड़ा, बस वही शुक्र है कि इस गाड़ी वाले का टाइम बढ़िया था। आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा, गाड़ी धक्का दे के धकेल के स्टार्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं ये सब होने के बाद कैसे गाड़ी को आगे फिर प्रोसीजर बढ़ाया जाता है, आगे कैसे गाड़ी चलती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए ये हेड गैस्किट जो होता है शंकर का डाले हैं इसमें। शंकर का हेड गैस्किट अच्छा होता है दोस्तों, लाइफ इसका लाइफ टाइम थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए यहाँ पे हर एक चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया, और हेड तो आप हेड पूरा यहाँ पे आ चुका है ओवर ऑयलिंग होके, हेड गैस्किट पूरा ऑयल गेड एमसेंट से सब मार के दोस्तों आ गया, एकदम टकाटक तैयार है। और इधर भी हमने यहाँ पे देखिए ऑयल सील को ऑयल लगा के गम लगा के पूरा रेडी किया दोस्तों। अब यहाँ पे इसमें उसको इंसर्ट करने की बारी है, तो इसमें इंसर्ट करने से पहले इसमें अच्छा से ऑयल को लुब्रिकेट किया जाता है, ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे एयर जो लीक होती है वो एयर बंद हो जाए, और थोड़ा अच्छा लुब्रिकेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए इंडिका में कैसे डाला जाता है, सबको ऐसे ही साइड में छोड़ देंगे, एग्जॉस्ट जो दिख रहा है इधर इंजेक्टर का पाइप होता है, सबको साइड में डाल देंगे और जो हेड है उसको इसमें डालेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे गाड़ी के पास लेके आया, जो इसमें एग्जॉस्ट का पैकिंग होता है वो पहले इसमें डाल दें, उससे होता क्या है कि एग्जॉस्ट में पहले ही फंसा लेना पड़ता है दोस्तों। इस तरह इसमें एग्जॉस्ट में पहले ही लगा लिया जाता है, ताकि कोई परेशानी ना झेलना पड़े आगे दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट में पूरा लग गया, अभी भी निकल गई दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान दें, उसको क्लीन से एक बार बैठा लें, उसके बाद अब इसमें पटापट से एक नट डाल दें, इसमें लगा के दोस्तों इसमें नट ही डाल दीजिए, बार बार निकलने का झमेला ही ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, यहाँ पे पूरा अंदर तक चपक गया। अब इसमें पहले बोल्ट डालेंगे, अब बोल्ट डालने से पहले जो बोल्ट होता है उस पर ऑयल जो होता है उसका ऑयल का लुब्रिकेट ज़रूर कर लें दोस्तों, इस तरह उसमें ऑयल ज़रूर लुब्रिकेट करें, ताकि थ्रेड होता है दोस्तों, थ्रेड कभी रॉन्ग भी चढ़ सकता है, लेकिन रॉन्ग चढ़ने नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों आपके लिए इतना नाइट, अभी कितना बज रहा है टाइम आपको, आप ही के लिए गाड़ी के लिए इतना नाइट तक दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। पहले लाइक कीजिए, हाँ कर दिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर दोस्तों आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों, एकदम चमक रहा है हेड। इंजन दिखा रहा हूँ, इंजन देखिए कैसा है, काम किया जब चमका, नहीं तो फिर काम क्या दोस्तों। इस लगता है थोड़ा मेहनत चमकाने में। अब इसमें डाल देंगे दोस्तों ऑयल, जिसको हम यहाँ पे कैम शाफ्ट बोलते हैं। अब इसको एक बार दोस्तों राउंड फिराएंगे, ताकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ तो एडजस्ट करके वो सही मतलब अपने पोजीशन में चला जाता है। तो दोस्तों नॉर्मली सब बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। अब इसमें थोड़ा लोड देना पड़ेगा, जैसे कि 5 kg 7 kg ऐसे इस पर लोड दिया जाता है। दोस्तों इसको टाइट करने में मिनिमम केजी जो होता है 8.5 kg, यानी 8.5 kg का इसमें वजन दिया जाता है, घींचा जाता है। दोस्तों हम लोगों के पास टर्क रिंच जो होता है वो तो नहीं होता है, कंपनी वाले वो ज़्यादा करके यूज करते हैं। हम लोग तो दोस्तों हाथ से ही मतलब उतना कन्फर्म और डिया रहता है कि उतना टाइट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जब तक टाइट हो रहा है तब तक मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये इंग्लैंड पैकिंग जो हर समय नया ही डाले तो बेटर रहता है। अब ये देखेंगे आप लोग तो टाटा लिख के, लेकिन क्या है पता है, इधर देखिए ये टाइमिंग बेल्ट है जो कट गया था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाटा का देखिए दोस्तों, इसका MRP मैं आपको दिखा दूँ, एकदम ओरिजिनल टाटा का आइटम डालेंगे दोस्तों। एकदम चमचमाता हुआ ये देखिए इंडिका का पूरा मोनोग्राम के साथ दिखा रहा है देखिए। तो इसको चलिए इसमें इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। डालने का तरीका मैं आपको आज भी बता दूंगा दोस्तों। मैं आपको ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि हेड को पूरी टाइट करने के बाद ही यहाँ पे जो नाले बड़ी गाड़ी है उसको डाला जाता है। दोस्तों इसके अंदर टाइमिंग जो फ्लाईवील लॉक होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अलंकी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है लेकिन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कैम का पुल्ली होता है उसको डाल देंगे। तो दोस्तों इसको देख के आप कितना लोगों के माइंड में आता होगा कि इसमें चाबी क्यों नहीं दिया है। अब दोस्तों हर जगह चाबी दे देगा और इधर उधर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तो क्या करिएगा, इसलिए सब सोच समझ के कंपनी है दोस्तों। अब दोस्तों इसका एक पुलर आता है, इसमें पकड़ के उसको टाइट किया जाता है, लेकिन हमारे पास तो देसी तरीका है, इसमें गिरी प्लायर से जोर से दबाएंगे और इसमें बोल्ट डाल के उसको एक हाथ से पकड़ के इसको टाइट करेंगे। उससे पहले जो इसमें टेंशनर वायरिंग होता है उसको इसमें डालेंगे दोस्तों। पंप लॉक भी एकदम परफेक्ट है इसके अंदर दोस्तों, देखिएगा तो छोटा सा कटा रहता है उसी में जाके लॉक हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया। और इसमें बेल्ट डालते हैं, उससे पहले इसको टाइट करना पड़ेगा। और वो स्पैनर देखिए क्यों लगाया गया, वो टाइमिंग पे है दोस्तों। स्पैनर देखिए बिल्कुल इसमें अच्छे से जाना चाहिए, जो कटा हुआ एरिया रहता है कटा हुआ मार्क, उसमें ऐसा एक स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको लगाना है। इसमें बेल्ट डालेंगे के अलावा इसमें दोस्तों नीचे से बेल्ट लगा दिए, अब ऊपर लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट। इसको दोस्तों घींच के रखेंगे ताकि फिर ये उतर ना जाए, और ज़ोर से घींच के जो यहाँ पे पंप होता है पंप का पुली उस पर डालेंगे, और एक हाथ तक घसीटना रहता है दोस्तों, नहीं तो फिर लूज हो जाता है एक दो थर्ड, तो टाइमिंग रॉन्ग हो जाता है। उस कंडीशन में गाड़ी क्या होगा, कटकुट 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 साउंड आएगा, और स्टार्ट हो गया तो ही तो लाइफ नहीं आता है। तो यहाँ पे एकदम मार्का जो होता है टाइमिंग मार्का एकदम बढ़िया से देख के वो डालेंगे। दोस्तों जो कि लग गया है एकदम बढ़िया, हर जगह से सेमी टाइट है। अब यहाँ टेंशनर को घसीट के बेल्ट को टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों इसमें 8 का अलंकी लगा के और उसमें आगे की तरफ घसीटेंगे तो बेल्ट टाइट होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो टेंशनर दिख रहा है ये वाला, ये टेंशनर हम इसमें अलंकी लगा के अपने तरफ घींचते हैं आगे की तरफ, और जितना भी गाड़ी है सबको पीछे धकेलना पड़ता है, उल्टा दिया है। ये टाटा का एक सबसे बेहतरीन जुगाड़ है जो कि आगे घसीटना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने दोस्तों नया नया टिप्स दे रहा हूँ, उसके लिए एक लाइक कीजिए। हाँ चलिए, उल्टा
जैसे कि जो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सबको आगे घसीटना पड़ता है, जैसे मैं आपको बता दूँ पीछे कौन कौन सी गाड़ी, वोल्क्सवैगन पोलो, एक सेंट, हुंडई स्विफ्ट। स्विफ्ट में तो दोस्तों टेंशनर रहता हो जाता है। वोल्क्सवैगन पोलो एक सेंट हुंडई का मतलब 86 दोस्तों, इतना मतलब गाड़ी है जिसमें पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ तक मैं आपको कन्फर्म करा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बाड़ी है इसको टाइट करने की, फिर आपको आगे दिखा रहा हूँ। दोस्तों बेल्ट जो टाइट है वो एकदम बिल्कुल मीडियम में है, ना ज़्यादा टाइट है, जितना टाइट होता है उतना ही दोस्तों टाइट किए हैं। चेक कर लेंगे, यहाँ दोस्तों टाइट कर लेंगे, एक हाथ से ग्रिप लायर को पकड़ के एक हाथ से इसको सामने की तरफ घसीटेंगे। देखिए दोस्तों ग्रिप लायर को आगे की तरफ ना खींचे, नहीं तो जो कैमशाफ्ट का उधर लॉक है जिसमें हमने यहाँ पे स्पैनर डाला था वो फट करके टूट जाता है। हेलो पापा, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे टाइमिंग लॉक को बाहर निकालेंगे, दो तीन राउंड इंजन को घुमा के, दो तीन राउंड जो होता है इंजन को रोलिंग करके, उसके बाद फिर टाइमिंग पे चेक करेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे जो फ्लाईव्हील लॉक होता है वो निकाल लेंगे, इसको घुमा घुमा कर देखेंगे, टेस्ट करेंगे। दोस्तों तो फिर से वहीं पे ला के उसको लॉक कर दिए, तो मेरा टाइमिंग जो है दोस्तों 100% बिल्कुल बढ़िया सही है। वहाँ स्पनर भी हमने लगा के चेक कर लिया है, गाड़ी स्टार्ट ना हो रहा था, धक्का मत लगा दिलो। दोस्तों तो जो की टाइमिंग है वो बिल्कुल बराबर हो चुका है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फिटेड है उसको यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले इंजेक्टर का जो पाइप होता है उसको यहाँ पे सबको डाल देंगे दोस्तों। क्या लाइट मार रहा है इंजन, कोई है तो बताइए। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे इंगलेट होता है जो कि ऊपर के एरिया में होता है, उसको यहाँ पे डालेंगे, इंगलेट का पैकिंग डालेंगे इसमें दोस्तों। और गाड़ी की तरह इसमें जो वाटर होता है उसका इसमें कनेक्शन नहीं रहता, बिल्कुल खाली एयर का कनेक्शन इसमें रहता है। चला दोस्तों इतना सब कुछ नया डाल रहे हैं, तो एक जो यहाँ पे होता है जो रिटर्न पाइप होता है नोजल का, इंजेक्टर का जो रिटर्न पाइप होता है, उसको यहाँ पे नया दोस्तों यूज करेंगे। हार्ड हो जाता है दोस्तों, हीट हो के ना हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे जब भी इस पर ध्यान जाता है इसको चेक करके इसमें नया पाइप टूक डाल देंगे दोस्तों। तो इसमें अब इंगलेट को डाल दिया गया है, इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। ये सब तो दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं, इसको फाइनल करके स्टार्ट करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, जो छोटा छोटा यहाँ पे पैकिंग होता है बाईपास का, इसका उसका, वो सबको आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों। ये मत सोचिए कि मैं आपको खाली इसमें टाइम पास करा रहा हूँ दोस्तों, जब भी अनुज भाई आपके लिए कुछ आता है नया ही लेके आता है, तो उसको दोस्तों वाचिंग ज़रूर कीजिएगा, फुल वीडियो वाच कीजिए, उसके बाद मालूम चलेगा कि अनुज भाई क्या दिखाता है दोस्तों। अब इसको स्टार्ट करते हैं, फाइनली आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का फिटिंग हो चुका है, बस खाली ये वेंडिंग है वाल डोर मेरा, सेल्फ मारिए राजन खाली। तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, सेल्फ कीजिए राजन। तो यहाँ पे इग्निशन ऑन है, यहाँ पे दोस्तों इंजेक्टर का जो पाइपलाइन होता है उसको यहाँ पे एयर आउट करना पड़ता है, बिना एयर आउट के लिए स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एयर आउट दोस्तों, तो सबका यहाँ पे एयर इसमें से निकल गया है, जो एयर था पूरा डीजल का सर्कुलेशन हो चुका है, तो यहाँ पे गाड़ी हिट हो रही है। जैसे कि हम लोग इग्निशन को दो तीन बार की ऑन ऑफ करेंगे तो हीटर प्लग रेड हो जाता है, और यहाँ पे सेल्फ करेंगे तो डायरेक्ट अंदर फायरिंग हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऑयल बहुत ज़्यादा आगे की तरफ छिटका मारेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेट भी बोल सकते हैं, या किसी चीज़ का प्रेशर। दोस्तों तो जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है गाड़ी, थोड़ा देर इसको रनिंग में छोड़ेंगे, इसमें कूलेंट तो नहीं है, बस हाँ यहाँ तक देखेंगे ऊपर तक ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऊपर तक ऑयल आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा काम सक्सेस हुआ, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब इसको वाल डोर को यहाँ पे इसमें डाल दोस्तों। तो पूरा यहाँ पे फिटेड होने के बाद मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया, बिल्कुल मस्त साउंड है दोस्तों। तो यही सब था, आप एक प्रॉमिस कीजिए हमसे, कभी भी किसी भी गाड़ी को धक्का दे के धकेल के स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों। तो यहीं तक था वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक इस आर एन टी कार सर्विस का वीडियो जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही केयरफुल वीडियो आपको डालता रहूँगा और आपके पास मिलता रहेगा। थैंक यू मेरा भाई।